गंगा यात्रा है, ये कहाँ तक जाने वाले? किशन जी, आज जो ये तिरंगा यात्रा है, वैसे तो हमने कल भी तिरंगा यात्रा में थे, परंतु जो युवा टीम है, जो राष्ट्र भगत है, देश प्रेमी है, सारे युवा साथी, आपने देखा होगा कि 18 से 20 के जो आयु के जो बच्चे हैं, जिन्होंने देश के प्रति जो सरदार विश्वास, अटूट जो विश्वास है, इस तिरंगा की आन बान और शान के लिए सबसे ऊंचा तिरंगा हमारा रहे, इस निमित्त इस टीम ने, इस यूथ ने ये सारी मेहनत की है, और मैं इस टीम का बड़ा आभारी हूँ कि इन्होंने मेरा भी मान सम्मान किया, और सबसे पहले तिरंगा की शान के लिए जो इन्होंने अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ शहीद अनूप सिंह से यहाँ जाटवा से लेकर और आखिरी जो छोर है चीतलांग के अंदर हमारे 3 शहीद हैं, उनको नमन करने के लिए, प्रणाम करने के लिए ये पूरे जो यूथ जो साथी है अनेक गांवों से अपने आप कार्यक्रम तय किया। मुझे तो कार्यक्रम भी कल शाम को ही बताया कि आपको उसके अंदर आना है। मैं पूरी यूथ का हृदय की गहराइयों से इनका आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि ऐसा यूथ जो भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने जो एक विचार दिया था, इस देश के अंदर प्रत्येक घर के ऊपर तिरंगा लगे, और उसी मिशन के अंदर हरियाणा प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय ओम प्रकाश जी धनखड़ ने इस मिशन को और गति दी, और उनके मार्गदर्शन में प्रत्येक गांव में, प्रत्येक खंड के अंदर और प्रत्येक शहर के अंदर जो तिरंगा यात्रा की है, उसी क्रम के अंदर ये जो यूथ जो साथी हैं, जो भारत का भविष्य है, जो उज्ज्वल भविष्य की जिसकी हम कामना करते हैं, इन्हीं नौजवानों के कंधों पर आने वाला समय जो बाहर है, इन नौजवान साथियों ने जो एक अभियान चलाया है, मैं इनका तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं, और तिरंगा की आन बान और शान के लिए इन्होंने जो अपना कीमती समय निकाला है, मैं आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि दोनों आपके चैनल के माध्यम से स्वतंत्रता की 75 वर्षगांठ जो पूरे देश में अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है, उसी कड़ी के अंदर आज हमारा ये कार्यक्रम है, और मैं पूरे देशवासियों को, हरियाणा प्रदेश के सभी युवाओं को, मजदूरों को और किसानों को, क्योंकि एक ही नारा है, सीमा पर जवान और खेत के अंदर किसान, यदि दोनों खुशहाल रहेंगे तो इसके अंदर सब साथी, सब नौजवान, चाहे कर्मचारी हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, सबका कल्याण होगा। और इस अवसर पर मैं सभी क्षेत्रवासियों को तहे दिल से स्वतंत्रता दिवस की 75 वर्षगांठ की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, और जो नौजवान युवा जो साथी है उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं। युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे और इसी गांव के हैं, इसी परिवार की, इसी माटी में जन्मे हैं। मैं आज आप सभी का, देखिए, भारत माँ की श्रद्धा आस्था विश्वास लेकर भारत माँ के प्रति समर्पण भाव लेकर आजादी के अमृत महोत्सव में आज आप सभी ने तन मन धन से, एक ललक से, एक जून से, जोश के साथ पहुंचे, तो मैं भाई पवन जी से कहूंगा कि वो अपने इस परिवार में, अपनी माटी में, अपने गांव के बीच तो सब कहे भाई पवन खैरवाल। आज पूरा देश, पूरे हिंदुस्तान की बात कहूं या पूरे विश्व की बात कहूं, पूरे विश्व के अंदर भारत का एक डंका बज रहा है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में एक अमृत महोत्सव जो 75 साल आजादी के पूरे हो रहे हैं, उस उपलक्ष में पूरे भारतवर्ष के अंदर अनेक संस्थाएं, अनेक लोग, अनेक देशभक्त, अनेक युवा साथी अपने अपने हिसाब से अनेक तिरंगा यात्राओं के माध्यम से कार्यक्रम करके भारत माता के वीर सपूतों को श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं, और आने वाले समय के अंदर युवाओं के अंदर एक नया उत्साह और ऊर्जा का संचार करने का भी प्रयास कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज आदरणीय कंवर सिंह जी ने आज हमारे जो कैची चौक से लेकर के और इस हमारे परिवार के जो अपना मेघनवास चौक पड़ता है, यहाँ पहुंचे हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं, क्योंकि ये जो कार्यक्रम है, तिरंगा है, वो सभी का है। कल हमारे बीच में हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी पाली गांव, जो बड़े गांव, उसके अंदर इस विधिवत इस कार्यक्रम की शुरुआत करके गए थे, जिसमें हमारे केंद्र, हमारे पूर्व में शिक्षा मंत्री रहे रामविलास शर्मा जी और हमारे ओम प्रकाश, एडीओ जी सीताराम, विधायक जी अभय सिंह जी, सत्यवर शास्त्री जी, अनेक पार्टी के संगठन के लोगों ने इस विधिवत शुरुआत की थी। उसी क्रम में इस काम को आज आगे आदरणीय हमारे
कोऑपरेटिव बैंक के पूर्व चेयरमैन कंवर सिंह जी ने आगे बढ़ाया है। मैं इनको धन्यवाद देता हूँ और इनका आप सभी को समय समय पर आशीर्वाद मिलता है। ये यात्रा है ये पूरी सफल रही और बधाई के पात्र हैं, और आने वाले समय में अनेक युवा जो आज इस यात्रा से प्रेरणा लेकर के जाएंगे वो भी अपने गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाकर के जो हर घर तिरंगा अभियान जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली से आह्वान किया है उसको आने वाले समय कल तक उसको पूर्ण करेंगे। और मैं निश्चित मान सकता हूँ इस महेंद्रगढ़ विधानसभा का प्रत्येक घर, इस जिले का प्रत्येक घर, ऐसा कोई नहीं बचेगा जिसके ऊपर तिरंगा नहीं लगेगा। और ये तिरंगा लगाने का अभियान उन शहीदों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हमारे जो बुजुर्ग आपके सामने जो इस यात्रा के अंतिम पड़ाव पर जिन्होंने आपने जो श्रद्धासुमन अर्पित किए, उमराव सिंह जी जो गांव सृजनवास के एक शहीद थे, और मैं कहता हूँ सृजनवास के न होकर के पूरे इलाके के, क्योंकि शहीद का कोई स्थान नहीं होता, कोई इलाका नहीं होता, वो भारत के शहीद थे, उनको वीर चक्र मिला था, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो मैं आप सबका दोबारा से आप इतनी बड़ी संख्या में पहुंचे, मैं अपने परिवार की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, भारत माता की जय। अब देखिए इस यात्रा के मुख्य संयोजक आपके भाई, आपके बेटे इस माटी में जन्मे, आपके बीच पले बढ़े, और जिन्होंने मैं कहूँ चाहे वो मेघनवास हो, सुरजनवास हो, खेड़ा हो, चीतलांग हो, देवास हो, भांडोर हो, निम्बी हो, पाली हो, पुराना हो, बसी हो, कोई भी ऐसा गांव हो, इस महेंद्र विधानसभा में माननीय कंवर सिंह जी यादव किसी के दुख में, दर्द में, किसी के अच्छे में, बुरे में हमेशा आपकी एक आवाज होती है। आदरणीय कंवर सिंह जी वहाँ खड़े मिलते हैं आपके लाडले, आपके प्यारे, और आज शहीदों को उन्होंने कल इस कार्यक्रम को अचानक देखिए सिर्फ छोटे से नोटिस पर यह कार्यक्रम हुआ, कल इन्होंने कहा कि माने धनखड़ जी आए और कहने लगे कंवर सिंह जी आप भी एक जिले में, उन्होंने उसको कल रात को कार्यक्रम बना, आपको फोन के माध्यम से कहा, और इतनी बड़ी संख्या में भाई पवन जी कह रहे थे कि जाटवास कैची मोड़ से हमने शहीद जाटवास में श्रद्धा समर्पित किए, हमने चीतलांग में, हमने यहाँ सुरजनवास में, और अब हम राव तुलाराम वीर शहीद आजम वहाँ महेंड भी पहुंचेंगे। लेकिन आप सभी का आप धन्यवाद करने के लिए माननीय कंवर सिंह जी यादव, क्योंकि आपने इतने कम समय में यहाँ पहुंचे, उनका हौसला आप जारी करी। कंवर सिंह जी यादव को कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन और भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष, आपके भाई, आपके बेटे, आपके साथी, आपके दुख सुख के सच्चे हितैषी, मैं चाहूंगा कि वो आप सभी का धन्यवाद करें, और उसके बाद राष्ट्रीय गान होगा, और उसके बाद इस कार्यक्रम की तिरंगा यात्रा का संपूर्ण समापन होगा। तो राष्ट्रीय गान में सभी अपने स्थान पर खड़े रहे, वहां से बजेगा, उससे पहले कंवर सिंह जी यादव अपना धन्यवाद संबोधन दे आदरणीय कंवर सिंह जी। आज इस तिरंगा यात्रा के समापन पर हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के पूर्व में अध्यक्ष रहे भाई पवन जी खैरवाल, और रेलवे बोर्ड के मेंबर भाई ललित जी, और मेरे साथ जो युवा मोर्चा के एक युवा टीम अनेक गांवों से सरपंच साहब, और सबसे ज़्यादा खुशी की बात तो यह है कि ये कार्यक्रम आपने तय किया, और सभी नौजवान साथियों ने बड़ी मेहनत से, मुझे तो कल ही समाचार मिला कि आपको इस कार्यक्रम में रहना है। मैं सबसे पहले इस पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूँ कि आपने पूरा ही एक अनुशासन में रहकर, जब हिंदुस्तान के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने पूरे देश के अंदर एक तिरंगा यात्रा का अभियान चलाया है, एक संकल्प था, एक निर्णय था, एक प्रण था कि हर घर पर तिरंगा लगे, और उसी क्रम में हरियाणा के लोकप्रिय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय ओम प्रकाश जी धनखड़ ने इस कार्यक्रम को और गति दी, और उसी कार्यक्रम के निमित्त आज मेरे सामने जो युवा जो बैठे हैं, जो युवा खड़े हैं, जो बुजुर्ग साथी हैं, सरू से जाटवा से लेकर आज मेघनवास चौक तक, आपने बड़े उत्साह से, बड़े उमंग से हिंदुस्तान का जो एक मान सम्मान है, एक हमारा स्वाभिमान का प्रतीक है तिरंगा झंडा, ये तिरंगा झंडा बहुत ही लंबे समय की कुर्बानी के बाद 1857 से लगातार 1947 के बाद इस तिरंगा को हमने मान रखा। और आज नौजवान साथियों से एक ही प्रार्थना करना चाहता हूं कि मोदी जी का एक ही प्रण है, फर्स्ट इज नेशन, पहला राष्ट्र और फिर बाद में हम, राष्ट्र पहले और उसके बाद में हम, परंतु आपने भी उस बात को और आगे बढ़ाते हुए जाटवा से लेकर और मेघनवास मोड़ तक बड़े उत्साह के साथ इस कार्यक्रम का आयोजन किया, और सभी गाँव के हम आभारी हैं, जाटवास
देवनगर, जासास, भांडोर और देवास, चीतरंग और मेघनवासो सभी साथियों ने इस तिरंगा यात्रा का भव्य स्वागत किया। फूल मालाओं से पुष्प फेंक कर किस तरह का मान सम्मान किया कि मानो कोई बहुत बड़ा कार्यक्रम यहाँ से निकल कर जा रहा। मैं हर जगह सभी गाँव वासियों का धन्यवाद किया और आज इस समापन अवसर के ऊपर मैं आप इस पूरी टीम का हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि आपके दिल के अंदर जो संकल्प है, जो विचार है, इस देश और प्रदेश के प्रति आपकी जो सहानुभूति है, वास्तव में ही आपके दिमाग में और दिल के अंदर एक भावना है कि हमारा राष्ट्र प्रथम रहे, ये तिरंगा की शान ऊंची रहे और इस तिरंगा की हिफाजत के लिए, इसकी सुरक्षा रक्षा के लिए हम अपने प्राणों की भी बाजी लगा दें तो हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। आज इस कार्यक्रम के इस अवसर पर मैं पूरी टीम का धन्यवाद करता हूँ और इसके बाद आज का ये कार्यक्रम यही संपन्न है और हमें एक और कार्यक्रम जो बाजार के अंदर है, हम उस कार्यक्रम में जाएंगे। जो साथी, जो युवा जिस भाव से, विश्वास से, सहयोग में यहाँ आए हैं, बहुत ही आरामदायक से अच्छे तरीके से अपने घर जाएंगे। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और आप इसी तरह से इस देश के लिए, इस तिरंगा के लिए इसी तरह से आप आगे बढ़ते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।